नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट पेगासस स्पाईवेयर। आई एम श्योर कि आप सब इस नाम से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इस नाम ने पिछले साल विश्व की राजनीति को हिला के रख दिया था। तो इसमें से भारत भी कहाँ पे अछूता रहता। अगर हम बात करें पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री की, वहां पर भी सरकार के द्वारा इसका यूज किया गया ऐसा बताया गया था। और जैसे आप बात करोगे यूएसए, यूके, जापान, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन सब कंट्रीज के द्वारा पेगासस स्पाईवेयर का यूज एक प्रकार से किया गया था, ऐसा सामने आया था, राइट। अगर हम भारत के अंदर भी बात करते हैं तो 40 से ज्यादा हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के यहाँ पे नाम उजागर हुए थे कि जिनके ऊपर स्पाइंग की गई थी। हम बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर की और स्पाईवेयर क्या होते हैं, और अब भारत में आएगा एक नए प्रकार का स्पाईवेयर जो कि पेगासस के जैसा ही है और एक जासूस है, राइट। इसी के कारण भारत में हड़कंप मच गया है। तो हम बात करेंगे, ये आपके सामने न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया गोज शॉपिंग फॉर न्यू स्पाईवेयर सिस्टम दैट राइवल्स पेगासस, एफटी रिपोर्ट। हियर इज अनदर न्यूज, इंडिया हंट फॉर स्पाईवेयर दैट राइवल्स कंट्रोवर्शियल पेगासस सिस्टम। क्योंकि कंट्रोवर्शियल इसलिए था, पिछले साल ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। हमारे 40 से भी प्लस जो हमारे लीडर हैं, जैसे कि अपोजिशन के लीडर लगा लीजिए, सरकार के लीडर लगा लीजिए, नेता हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ और यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, उनकी यहाँ पे स्पाइंग की बात की गई थी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा स्पाईवेयर क्या होते हैं। देखिए स्पाईवेयर, वेयर का मतलब यहाँ पे होता है सॉफ्टवेयर, दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे स्पाई का मतलब है स्पाइंग करना, जासूसी करना। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, जासूस करेगा, जासूसी करेगा, वो आपके डाटा को यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा विदाउट योर कंसेंट, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एंट्री कर जाएगा विदाउट योर कंसेंट, और आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डाटा होगा, जो भी क्रेडेंशियल होंगे आपके, उन सबको यहाँ पे चोरी कर लेगा, राइट। और चोरी करके फिर किसको देगा, किसी भी थर्ड पार्टी को देगा, जिसने इस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में डिप्लॉय किया है उसको ये जाके दे देगा। तो इस प्रकार से स्पाईवेयर काम करते हैं। हम बात करेंगे स्पाईवेयर के टाइप्स के बारे में भी, ये न्यूज थी। तो फिलहाल के लिए यही न्यूज है कि एक नया सेंटर यहाँ पे अप्रोच कर रही है इजरायली कंपनीज को भी और भी दूसरी कंपनीज को भी, कि इस प्रकार का यानी कि पेगासस के जैसा ही एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि क्या करेगा, स्पाइंग का काम करेगा। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे कि क्यों सरकारों को स्पाईवेयर की जरूरत पड़ती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी क्या हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 120 मिलियन का बजट भी यहाँ पे एलोकेट करने की बात यहाँ पे सामने आई है, कि यानी कि 120 मिलियन यहाँ पे सरकार खर्च करने जा रही है एक नए स्पाईवेयर सिस्टम पे जो कि पेगासस के जैसा ही स्पाई करने का काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्पाईवेयर के बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है, स्पाईवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस मतलब कोई गलत इरादे से, बुरे काम से बनाया गया सॉफ्टवेयर, दैट इज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इंटर्स द यूजर्स कंप्यूटर, यूजर के कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री कर जाएगा, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है वो, और वहां पे गैदर कर लेगा आपकी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, राइट। जो भी आपके डिवाइस के अंदर जो भी आपने स्टोर कर रखी है इंफॉर्मेशन, जो भी आपका पर्सनल डाटा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो जाएंगी, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह हो जाएंगी, अनदर टाइप ऑफ डिटेल्स, कोई भी क्रेडेंशियल यहाँ पे हो सकता है, उस चीज को यहाँ पे थ्रेट है, चोरी करेगा, थर्ड पार्टी को यहाँ पे पकड़ा देगा, राइट। ये स्पाईवेयर इस प्रकार से काम करते हैं, पर्सनल डाटा को कलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उन्हीं की स्पाइंग की जाती है, ठीक है। आपकी और मेरी तो स्पाइंग करवा के करेंगी क्या गवर्नमेंट। और एक प्रकार से ये चीज भी है, देखिए हम जैसे सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर की बात करते हैं तो हमारी भी स्पाइंग होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी स्पाइंग नहीं होती, क्योंकि हमारी जो हम मान के चले किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी हम लोग खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर एनीथिंग, जैसे आप लोग बात करते हो इंस्टाग्राम की या कोई भी सोशल मीडिया है, वहां पे आप लोग जो इंटरेस्ट करते हो, जो भी सर्च करते हो, जो भी सर्फिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, राइट। जिस भी प्रकार के आप वीडियोस देखते हो उसी प्रकार की एड आपके सामने आने लगती हैं, तो वो एक स्पाइंग का ही हिस्सा होता है, क्योंकि उससे आपके जो क्रेडेंशियल है उनको चोरी किया जाता है, और जो एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है उनको वहां पे बेच दिया जाता है, आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, बड़ी बड़ी फर्म्स को यहाँ पे बेच दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको एक प्रकार से एडवेयर, आपने नाम सुना होगा आई एम श्योर की एडवेयर नाम सुना है आपने। तो एडवेयर क्या करता है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने मैलिशियस एड्स को यहाँ पे पुट करता है, अनवांटेड, आपको चाहिए भी नहीं, लेकिन कई बार आपने कुछ सर्च किया है, आपने किसी वेबसाइट की कुकीज को यहाँ पे क्या किया है,
एक्सेप्ट किया है, आप बिना देखे बिना पढ़े कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनीज इस प्रकार से आपके सामने कुकीज का पेपर बॉक्स ओपन कर देती हैं कि अगर विदाउट बिना उसको ओके किए बिना उसको एक्सेप्ट किए हम लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं ले पाएंगे, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसीलिए फिर वो क्या करती हैं, हमारी जो इंटरेस्ट है, जो हमने सर्चिंग की है, जो हमने सफरिंग की है, सर्फिंग की है, उस चीज को यहाँ पे फिर कलेक्ट किया जाता है और कंपनीज को यहाँ पे बेच दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी भी हमारी जो इंटरनेट का फिर जैसे सॉरी क्रेडिट कार्ड है हमारा या फिर बैंक अकाउंट डिटेल है, उनको भी यहाँ पे चोरी करने का खतरा बना रहता है, ठीक है। ये स्पाइवेयर का काम होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एडवेयर, एडवेयर मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, एड आएंगे आपके पास में बिना बात की, एड आएंगी, ठीक है। आपको जूते खरीदने नहीं है लेकिन एक बार आपने कोई शू खरीदने की या फिर जूते जो भी आपने एक बार सर्च किया है, फिर आपके पास क्या होगा, जूते ही खरीदने की एड आएंगी। एक बार यदि आपने कोई चीज सर्च की है उसी तरीके की एड आने लग जाएंगी। ट्रेजन हॉर्सेज, ये भी एक स्पाईवेयर होता है, इसका भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब हम लोग कंप्यूटर में करेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। हाईजैकर्स ऑफ मॉडेम हो जाएंगे, कीबोर्ड रिकॉर्डर्स, इन्फो स्टीलर यानी कि इन्फॉर्मेशन को स्टील करने वाले, एक होता है अपने पास की लॉगर्स भी होता है, एक की लॉगर्स, की लॉगर्स ये एक एक प्रकार से स्पाईवेयरिंग का हिस्सा होता है। जैसे आप एटीएम के अंदर जाते हो, एटीएम के अंदर आप अपना पिन भरते हो, उसके अंदर एटीएम में ऐसे कीबोर्ड लगा होता है ना, उसके अंदर न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, उस न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर ही इंस्टॉल किया जाता है की लॉगर। जैसे आपको लगेगा कि ये इसी का हिस्सा है, एटीएम की मशीन है उसी का हिस्सा है, जब आप अपना पिन भरोगे उसके अंदर जो भी 1 2 3 4 ये वहां पे क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, और क्रेडिट जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी वहां पे इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट अकाउंट से यहाँ से पैसे निकाल लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजें काम करती हैं। आई एम श्योर कि आपको स्पाईवेयर के बारे में पता चल गया होगा। और ये जो पेगासस है, ये पिछले साल ही सरकार के द्वारा इस मतलब सरकारों के द्वारा इसका यूज किया गया था बहुत सालों से, और पता इसका पिछले साल चला था, ठीक है। इसराइल का एक ग्रुप है, कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, लेकिन अभी के लिए बता रहा जा रहा है कि सरकार अभी के लिए लुकआउट कर रही है फॉर ए लेस एक्सपोज्ड स्पाईवेयर देन द पेगासस, ठीक है। राइट, इट वॉज द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द सम पॉलिटिशियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट वर ऑन द लिस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल टारगेट। यानी कि जो पेगासस है पिछले साल चर्चा में रहा था, कंट्रोवर्सी में रहा था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट की यहाँ पे स्पाइंग इसके द्वारा की गई थी। हमारे भी यहाँ सरकार ने स्पाइंग का मतलब मामला सामने आया था, ठीक है। और बट होता यही है कि सरकारें मना कर देती हैं, सरकार कोई भी हो चाहे, इसके लिए हम अगर बात करें भारत सरकार की या फिर अनदर किसी सरकार की, सब यहाँ पे मना करती है कि हम किसी प्रकार की स्पाइंग यहाँ पे नहीं करवाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में होता यही है, सरकार स्पाइंग करवाती है, जो लीडर्स होते हैं अपोजिशन के या फिर जो भी बिजनेसमैन लगा लीजिए, बड़े बड़े जो भी चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे लगे सरकार को कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकता है, ठीक है, देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है भविष्य में, तो उसकी भी स्पाइंग यहाँ पे की जाती है। और जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अब ये वाला प्रपोजल सामने आया है कि एक कंपनी से यहाँ पे बात की जा रही है। राइट, अभी डिस्कशन चालू है, जो कि डिस्कशन बिल्कुल एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। मैंने बताया 120 मिलियन डॉलर यहाँ पे सरकार खर्च करने की बात भी सामने आई है। और अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो देखिए फिलहाल यूएसए की अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है स्पाईवेयर इंडस्ट्री, ये तकरीबन तकरीबन 12 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर शिकंजा कसने की यूएसए के द्वारा बात की जा रही है, क्योंकि यूएसए को लगता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए मतलब एक प्रकार से थ्रेट हो सकता है। बट फिर भी अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए की गवर्नमेंट भी बहुत सालों से स्पाइंग का काम करवाती रही है, ठीक है। इन सारे ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता रहा है। पीपल फेमिलियर विद द मूव, जो अब पीपल इस चीज से ताल्लुकात रखते हैं भारत के अंदर, उनसे यहाँ पे रिपोर्ट, उनसे यहाँ पे बातचीत जब की गई, पता लगा है कि इंडियन ऑफिशियल्स हैव शोन एन इंटरेस्ट इन एरे ऑफ पेगासस अराइवल्स इंक्लूडिंग कॉल्ड प्रीडेटर। सबसे पहला नाम आया है प्रीडेटर का सामने, ये एक ऐसा ही सिस्टम है जैसा कि आपका पेगासस है, उसी के प्रकार का एक सिस्टम है जो कि ग्रीक कंपनी इंटेलेक्सा इंटेलेक्सा के द्वारा बनाया गया है, और इसमें इजरायली मिलिट्री वेटरन्स ने इसमें हेल्प की है बनाने में। तो सबसे पहला नाम तो इसका आया है, दूसरा एक नाम है क्वाड ड्रीम का, और एक नाम हो जाएगा कॉन्जेनाइट, कॉन्जेनाइट राइट, ये कंपनी है, इनका भी नाम सामने अभी आया है कि इनके द्वारा हम लोग मतलब एक प्रकार से जो बिडिंग होने वाली है उसमें सबसे ऊपर नाम इन तीन कंपनीज का आ रहा है। बाकी देखते हैं भविष्य के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है,
क्या ये कंपनीज खरीद पाती हैं या फिर नहीं खरीद पाती हैं, या फिर सरकार का क्या इसके ऊपर स्टांस रहता है। ठीक है, अब प्रोज एंड क्रोन्स की बात करें तो देखिए प्रोज तो कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारी पब्लिक सेफ्टी है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। मैंने बताया सर्विलांस अगर आप करोगे, कोई व्यक्ति है भविष्य में अगर खतरा साबित होता है उससे, सरकार को अगर लगता है, पुलिस को अगर लगता है कि भैया इस व्यक्ति से खतरा हो सकता है, तो उसकी सर्वेलेंस की जाए, उसकी निगरानी की जाए और उस चीज से यानी कि पब्लिक सेफ्टी हो सकती है। ठीक है, रिड्यूस हो सकता है, क्राइम रेट को रिड्यूस किया जा सकता है, क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको कैप्चर यहाँ पे किया जा सकता है, हेल्प कैप्चर क्रिमिनल्स एंड द कैप्चर प्री क्राइम डाटा को भी यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता है। इट हेल्प अथॉरिटीज टू ट्रैक क्रिमिनल डाउन, राइट, एनकोरेज गुड बिहेवियर, प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड गैदर क्लूज, एक्ट एज ए रिजन रीअजोरेंस एंड कन्वीनियंस। देखो इस टाइप के हम लोग प्रोज के बारे में बात कर सकते हैं, बट फिर भी ये सारे प्रोज के साथ साथ कुछ कंसर्न है हमारे सामने। जैसे कि सबसे पहला बात होता है इजिली एब्यूज, सरकारें जो है ना इसका एब्यूज कर सकती हैं, दुरुपयोग भी इसका यहाँ पे किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी अगर आप लेते हो और निजी जानकारी का यदि अगर दुरुपयोग होता है तो वो चीज भी फिर गलत ही है। इससे जो हमारी पर्सनल प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी को भी यहाँ पे एक प्रकार से आप देखोगे तो हनन होता है। प्राइवेसी जो हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी है आर्टिकल 21, उसका भी यहाँ पे एक प्रकार से ब्रीच बताया जाता है। इट रिड्यूस पर्सनल फ्रीडम, तो पर्सनल फ्रीडम तो रिड्यूस होगी, आपकी जो निजी जानकारी है, आप दिन रात करते क्या हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो और किससे बात करते हो, किस तरीके की बात करते हो, यानी कि जो हमारी पर्सनल प्राइवेसी चीजें होती हैं उसके ऊपर एक प्रकार से आघात पहुंचता है। इट फ्रीजेस फ्री स्पीच, फ्री स्पीच को ब्रिज किया जाता है। इट क्रिएट ए ब्रदर सोसाइटी, बिग ब्रदर सोसाइटी। अब बिग ब्रदर सोसाइटी एक ऐसा टर्म है जो कि ब्रिटेन में यूज किया जाता था गवर्नमेंट के लिए। अब एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक मास लेवल पर, मास स्केल के ऊपर लोगों की सर्वेलेंस करवाती है और स्पाइंग करवाती है, लोगों के ऊपर नजर रखती है, उस गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है ब्रदर, बिग ब्रदर सोसाइटी। एंड इट क्रिएट्स ए नैनी स्टेट, ये भी गवर्नमेंट के लिए ही यूज किया जाने वाला एक शब्द है, यानी कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जब बात की जाती है तो नैनी स्टेट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। एंड इट ब्रिंग्स अप टू डिसरप्ट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज हो जाएंगी। और जैसे कि एंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को भी अभी एंडरमाइन किया जाएगा सरकार के द्वारा। इंक्रीज सोसाइटल पैरानोमा, लोगों के बीच में एंजाइटी बढ़ेगी, समस्याएं आएंगी, लोगों को लगेगा कि भाई हमारी पता नहीं, हमारी भी स्पाइंग तो नहीं हो रही है, हमारी भी स्पाइंग तो नहीं हो रही है, लोग डरेंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, जो अपनी पर्सनल बातें हैं जो किसी से भी करना चाहते हैं उससे नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इस चीज की। और दूसरी बात की एक्सपेंसिव बहुत होता है इसका खर्चा, अभी देख लिया आप, इस केवल 120 मिलियन डॉलर यहाँ पे सरकार खर्च करने की बात सामने आई है, तो कितना ज्यादा खर्चा केवल और केवल स्पाइंग के लिए सरकार कर रही है। बट वही है ना कि स्पाइंग करना भी बहुत जरूरी हो जाता है कई बार, जब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की या पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं, पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो उस चीज के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो भी चीज थी मैंने आपके सामने रख दी है, ये लेक्चर था, ये चर्चा में था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ऐसा है तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।